नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुआ का पराठा। बथुआ का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा किलो बथुआ लिया है, इसको हमने अच्छे से चार पांच बार धुल लिया है। अब इसको हम उबालेंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस हम ऑफ कर देंगे। ये बथुआ हमारा अच्छे से उबल गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको पीसेंगे, तब पराठा बनाएंगे। ये अच्छे से हमने इसको पीस लिया है उबाल के। ये 2 कटोरी हमने आटा लिया है, इसमें हम ये पिसा हुआ बथुआ डाल देंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे जिसमें हमारा पराठा खस्ता बने। नमक हमने साग में डाला था, हल्का सा नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे अजवाइन, हाफ टी स्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे, हाफ टी स्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ये चाट मसाला हमने लिया है, इससे पराठा बहुत अच्छा बनता है। अब इन सबको हम आटे में मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। मसाला और बथुआ हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको रोटी जैसा आटा बनाएंगे। यह आटा हमारा गूंद गया है, अब हम पराठा बनाएंगे। अब इसकी हम लोई बनाएंगे। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी लोई बना लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। पराठा हमारा बेल गया है। अभी हमने तवा पहले से रख दिया था, गरम हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिसमें पराठा हमारा चिपके ना। अब इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसको सेक लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना के रेडी कर लेंगे।
तो पराठा हमारा एक तरफ से सेक गया है, इसको हम पलट लेंगे। अब इस पे हम ऑयल लगाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इधर से भी हम लगा देंगे ऑयल। अब इसको हम फिर से पलट देंगे। इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। ये पराठा हमारा सिक गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा बनाएंगे। ये बथुआ के पराठा बनके हमारे रेडी हैं खाने के लिए। आप लोगों को हमारे बथुआ के पराठे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।